2 महीने पहले मैं बार्सिलोना गया था, वो कहानी तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गया। तो रीकैप करें, 3, 2, 1। तो ये क्विक व्लॉग है क्योंकि मैं बहुत जल्दी में हूँ, थोड़ी देर में मेरी फ्लाइट है। हाँ फ्लाइट है स्पेन की, बार्सिलोना। कुछ पता नहीं है, मुझे स्पेनिश नहीं आती, मैं स्पेन में किसी को जानता नहीं हूँ और मुझे कुछ भी नहीं पता वहाँ के बारे में। तो मतलब ये ऑल ओवर पाकिस्तान से निकलते टाइम वाला एक्सपीरियंस हो रहा है मेरे लिए, वही एक्साइटमेंट है। क्योंकि जब मैं पाकिस्तान से निकलता था तो मैं किसी को नहीं जानता था, मुझे ज़बान नहीं आती थी और मुझे उस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो पता नहीं कैसा होगा, देखते हैं, साथ ही हम लोग। तो मैं बर्लिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ, बोर्डिंग पास बर्लिन टू बार्सिलोना। वैसे तो मैं ये दुनिया ही घूमने के लिए पैदा हुआ हूँ और कहा जाता है कि बार्सिलोना बहुत खूबसूरत है, मगर ये बात आप तब तक रियलाइज नहीं करते जब तक आप जर्मनी का बॉर्डर क्रॉस करके बार्सिलोना के ऊपर ना उड़े। जब बार्सिलोना के ऊपर जहाज पहुंचता है ना, तब पता चलता है कि हाँ लोग सही कहते हैं, जो शहर ऊपर से इतना खूबसूरत लग रहा होगा वो नीचे से कितना खूबसूरत होगा। तो सीन कुछ ऐसा है कि मैं अभी बार्सिलोना पहुँच गया हूँ, रात का 2 बज रहा है और अब स्ट्रासन बाने या ट्राम वगैरह चलना बंद हो चुकी होती है, अंडरग्राउंड मेट्रोज भी। तो बस में जाना पड़ेगा मुझे अपनी हॉस्टल तक, और मैं पहली बार स्पेन आया हूँ, ना मुझे कुछ आता है, ना जबान आती है, बस एक लफ्ज़ आता है फोर फवोर और मिया मोर, 2 लफ्ज़ आते हैं। तो रात में हुआ कुछ यूँ कि जब मैं हॉस्टल पहुँचा तो उन लोगों ने कहा जिस कार्ड से आपने पेमेंट करी थी वो कार्ड ही डिक्लाइन हो गया और अब हमारे पास वो रिजर्वेशन नहीं है, हमने किसी और को कमरा दे दिया। तो फिर 2-3 घंटे घूमने के बाद मुझे एक और जगह कमरा मिला हॉस्टल में, और अब सुबह हो गई और बहुत महंगा लगा, 90 यूरो का 2 रात हैं। तो क्या करें, तो अभी मैं स्पेन की गलियों में घूम रहा हूँ क्योंकि भूख लग रही है और मुझे कुछ पता नहीं है कहाँ जाना है क्या करना है, ना जबान आती है ना कुछ। बड़ी मेहनत और जद्दोजहद के बाद मुझे फाइनली एक बेकरी मिली जिसपे वेजिटेरियन कुछ मिलता है, क्योंकि अब मुझे पता नहीं है यहाँ हलाल और हराम का क्या चक्कर है और आपका भाई हराम नहीं खाता। मैं बार्सिलोना पहली दफा आया हूँ और अब तक का ये मेरा पहला ऐसा एक्सपीरियंस है कि बस लोग ही लोग। मैं जर्मनी में जिस शहर में रहता हूँ वो एक बहुत छोटा सा शहर है, मतलब कराची के पास हैदराबाद का हिसाब लगा लो। इसका मतलब है कि वेरी लेस पॉपुलेशन, और मैं जैसे ही बार्सिलोना आया और मैंने यहाँ देखा तो बस लोग ही लोग, मतलब सड़क पर चलने की जगह नहीं है, बंदा बस का इंतज़ार कर रहा है तो आधे घंटे से बस ट्रैफिक जैम में फंसी हुई है। क्या आप बोल रहे हो यार। और हाँ, जो मैंने खाना खाया था ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और उसके बाद मैंने जितने भी खाने खाए सारे बहुत अच्छे थे। बस गूगल पर एक सर्च करने की ज़रूरत पड़ी, हलाल फूड इन बार्सिलोना, उसके बाद सब ठीक हो गया। बार्सिलोना दुनिया का 2nd most visited सिटी है, यहाँ दुनिया के हर कोने से लोग समर्स विजिट करने आते हैं। यहाँ के बीचेस, यहाँ की लाइफस्टाइल, यहाँ का हर चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ हर इंसान के लिए जगह है, भले वो किसी भी रेस टाइप या कलर का हो। यूरोप आने के बाद पहली ऐसी सिटी है जिसमें मैंने इतने ज़्यादा ब्राउन पीपल देखे हैं, मतलब इंडियंस और पाकिस्तानी। ये सिटी इतनी तेज़ है और यहाँ इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, फिर भी हर बंदे के लिए सिटी के अंदर जगह है। और ऐसा एक्सपीरियंस सच में मैं दुआ करता हूँ कि आप लोगों को भी एक टाइम करने के लिए मिले, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। तो मैं इस टाइम मेन सेंटर पे हूँ बार्सिलोना के, स्पेन के, और इस टाइम गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं और पूरे यूरोप में छुट्टियाँ होने वाली हैं, तो मैंने जैकेट पहन के पहली बात तो गलती करी, और दूसरी ये शहर मुझे अपने शहर की याद दिलाता है। यहाँ इतना रश है और इतने लोग, मेरे शहर में सिर्फ मेरे ही शहर के लोग होते हैं मगर यहाँ पूरी दुनिया से लोग आए हैं। अगर आपको इंग्लिश आती है ना या आपको स्पेनिश आती है, स्पेनिश आने की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। मैंने यहाँ अभी तक, इतनी देर से मैं यहाँ हूँ, 2 दिन मुझे हो गए और मैंने अभी तक यहाँ एक लफ्ज़ भी स्पेनिश का किसी के साथ नहीं बोला, सबको इंग्लिश आती है। ये इतनी बड़ी टूरिस्ट प्लेस है, तो ये बहुत, और खाना भी बहुत सस्ता है, मगर अच्छा खाना ढूंढने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, जद्दोजहद। सच में ये शहर मुझे अपने शहर की याद दिलाता है।
हर वक्त चहल पहल, हर वक्त गाड़ियों की आवाजें, हर वक्त शोर शराबा। कभी कभी मैं उस जिंदगी को भी मिस करता हूँ, और इस शहर ने मुझे उस जिंदगी की याद दिला दी। यार, इस शहर में नाइकी का आउटलेट हर जगह है। लाइप्ज़िग में एक नाइकी का आउटलेट भी नहीं है। पूरे लाइप्ज़िग में एक भी नाइकी का आउटलेट नहीं है। क्या बात है। तो ये फुटेज है 4 घंटे बाद की, क्योंकि मैं कमरे में वापस आ गया था और फिर मैं सोया, और ऐसा सोया कि मैं 4 घंटे बाद जागा। मगर यूरोप में रहने का सबसे आसान तरीका जब आप आएँ तो हॉस्टल्स होते हैं। हॉस्टल्स में ऐसे बंक बेड लगे हुए होते हैं और 6-7-8 लड़के उसमें सोते हैं, या लड़कियां भी। यूरोप में तो सब चलता है ना। अगर अभी भूख लग रही है तो फिर से जाके मैं एक हलाल फूड गाइड बनाता हूँ। टिप नंबर 1, जब भी किसी अनजान शहर में जाओ जहाँ आपको जबान नहीं आती हो, ऑलवेज रेंट अ रूम और हॉस्टल इन द मेन सेंटर। हमेशा मेन सेंटर में रूम या हॉस्टल रेंट करना है। और जब भी पता नहीं हो कि क्या हलाल है और आप एक मुसलमान हो और आपको ज़रूर हलाल खाना ढूंढ है, तो किसी भी तुर्किश या अरबी दुकान में घुस जाओ, वो हलाल ही होती है। यहाँ पर इस टाइम में बिल्कुल डिज़ाइंड पाकिस्तानी ढाबे पे बैठा हूँ। कराची में जैसे होटल होता है ना, शाहनवाज होटल, वैसे ही होटल में बैठा हूँ। मगर यहाँ बस फर्क इतना है, पाकिस्तानी और भोरे मिक्स बैठे हैं, इनसेन। और 2 यूरो की सालन कढ़ी की प्लेट है, कढ़ाई की, और कोफ्ते भी, कोफ्ते अगर आपको खाने तो बार्सिलोना। तो ये है शाह जलाल की गोश्त की दुकान, और ये परचून की दुकान है, रावल सुपर परचून की दुकान, रावल सुपर। देखो, वैसे तो मुझे पाकिस्तानी बनना बिल्कुल भी नहीं पसंद मुझे, मगर मुझे खाना ज़ाया करना भी बिल्कुल नहीं पसंद। हमने 2-2 यूरो की 2 चिकन की सालन की प्लेटें ली थी, और 1-1 यूरो का शायद नान था, तो 12 यूरो में हमारा टोटल बैठा, क्योंकि 2 कोल्ड ड्रिंक्स भी थी। मगर मैंने वो सारा कुछ खाया और ऑलमोस्ट थोड़ा सा बचाया, मगर मेरा जो दोस्त मेरे साथ है, इसने बिल्कुल भी नहीं खाया, वो पूरा आधा बचा लिया। मैंने कहा पैक कर लो, तो क्यों पैक नहीं करा हमने? क्यों यार, बेइज्जती होएगी यार। क्या क्या बेइज्जती होएगी, हम भी पाकिस्तानी है भाईजान। भाईजान, आप पाकिस्तान के गांव से आए हैं, सही है। क्यों भाई बेइज्जती होएगी खाना फेंकने? पता है अगर वो मैं पैक करवा लेता ना, तो 2 टाइम का खाना होता, 12 यूरो में 2 टाइम का खाना, ठक फारिग बंदा। तो ये था मेरा बार्सिलोना का day 1, और अभी कहानी खत्म नहीं हुई, बाकी है। मगर आज के लिए इतना ही, तो फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट। कल आएंगे ना, कल दोपहर में आएंगे, बोलेंगे हमें यहाँ बैठ के खाना ही नहीं, हमें पैक कर दो, चुपचाप घर पे 2 टाइम खा लेंगे, किसी को क्या पता, एक रोटी ज्यादा पैक करवा लेंगे, सही है।